अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मटन का मसालेदार भुना हुआ कीमा, जिसे खाकर आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन आपका मन नहीं भरेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले, कुछ पाउडर्ड मसाले निकाल लिए हैं और ये कीमा हाथ का कुटा हुआ वॉश करके रख लिया है। एक प्रेशर कुकर में मैंने एक कप मस्टर्ड ऑयल डाला है। ऑयल में एक बड़ी इलायची, 4-5 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, एक दालचीनी का टुकड़ा, 4-5 तेज पत्ती डालकर उसे क्रैकल होने दिया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज़ की प्याज को स्लाइस में कट कर लिया था और उसे डाल दिया है। उसे हमें इस तरह से गोल्डन ब्राउन करना है। फिर इसके बाद मैंने इसमें वॉश किया हुआ कीमा डाल दिया है। 500 ग्राम कीमे में मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और उसे डालकर अच्छी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें कीमे को भूनना है, जिससे कि उसके कच्चेपन का स्मेल भी ख़त्म हो जाएगा जो अदरक लहसुन में होती है, और कीमे का जो एक्स्ट्रा पानी रिलीज़ होता है वो भी ड्राई हो जाएगा और ऑयल सरफेस पे आ जाएगा। तब तक हमें इसे बीच बीच में चलाते रहना है और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर भूनना है। अब इस तरह से हम इसे लगातार बीच बीच में चलाते रहेंगे और अच्छी तरह से इसे भूनेंगे। अभी कीमे से पानी रिलीज़ होगा, उसे हमें ड्राई करना है। आप देख सकते हैं कीमे से पानी रिलीज़ होना शुरू हो गया है। अब इसे हमें ड्राई करना है, इसे हाई फ्लेम करके हमें लगातार चलाते हुए इसका पानी ड्राई कर लेना है। और उसके बाद इसमें हम ये जो अपने पाउडर्ड मसाले रखे हुए थे, जिसमें 1 टेबल स्पून कुटी हुई भुनी हुई धनिया थी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, और 1/2 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया है, और 2 मैंने हरी मिर्च को ऐसे बीच से तोड़ कर डाल दिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। नमक मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रख सकते हैं और इसे भी अच्छी तरह से हमें भूनना है जब तक कि मसाला अच्छे से भून नहीं जाता। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून जो होता है उसी से मैंने यहाँ पर गरम मसाला डाल दिया है, होममेड गरम मसाला। अगर आपके पास होममेड गरम मसाला नहीं है तो आप मार्केट वाला भी डाल सकते हैं, बाकी आप मेरे वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने होममेड गरम मसाला बनाया है। मैं अपने होममेड गरम मसाला ही यूज़ करती हूँ। और इसमें मैंने 4 प्याज कट की थी तो मैंने 3 फ्राई करने में डाली थी और 1 मैंने ऊपर से कच्ची डाल दी, और 1 कप पानी डालकर इसे प्रेशर कुक करना है। फ्लेम को हमें लो से मीडियम रखना है और इसमें 4-5 सीटी आने देना है, 10 मिनट तक आप 4-5 सीटी आ जाएंगी जब, तब इन्हें हम उसका प्रेशर खुद से निकलने देंगे और उसके बाद इसका बचा हुआ पानी हम ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पर, अगर पानी बचा हुआ है तो। और इस तरह से हम इसे सर्व कर लेंगे हरी धनिया डालकर और हरी मिर्च डालकर। अगर आप इस तरह से कीमा बनाएंगे और इसे नान या कुलचे या रोटी के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये कीमा। और आप लोग इस तरह से बनाएं और अपना फीडबैक मुझे दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।